अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। नहीं नहीं, हमारी अलायंस पार्टनर है और सबसे पुराना संबंध हम लोगों का रहा है, तो जरूर। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं। वो लगातार तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से मिल रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि 2024 में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है और 2024 में क्या कुछ प्लानिंग करनी है चुनावी मैदान में उतरने के लिए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में रोजगार के मुद्दे पर और शराबबंदी के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने खूब कहा है। सबसे पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए नौकरी के मुद्दे पर क्या कहा है और शराबबंदी के मुद्दे पर किस तरह वो बचते हुए नजर आए, देखिए ये वीडियो। मुलाकात करने जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमारी अलायंस पार्टनर है और सबसे पुराना संबंध हम लोगों का रहा है, तो जरूर। जो बीजेपी को जो झटका लगा है और हमारे जितने अलायंस पार्टनर हैं, आपने देखा होगा, चाहे डी राजा जी हों, येचुरी जी हों, CPI CPM, दीपांकर जी नहीं थे ना, उनसे भी फ़ोन पर हमारी बात हुई है और अभी सोनिया मैडम जी से मिलने जा रहे हैं। बीजेपी लगातार हमला कर रही है और आपसे सवाल पूछ रही है, कब तक 10 लाख लोगों को नौकरी? ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है, अब तो ये उपलब्धि है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी ज़रा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या, नौकरियां दी क्या? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गांधी से बातचीत होगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर तरह की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश की, राज्य की, सब चीजों पे। कांग्रेस ने कहा है कि सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में। अरे भाई आप चलिए ना भाई। तेजस्वी जी, बीजेपी शराबबंदी पे सवाल उठा रहे। चलो हो गया, शराबबंदी पे बीजेपी सवाल उठा रहे। ठीक, बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं। देश के तमाम छोटी बड़ी पार्टियों से नेता इन दिनों मुलाकात कर रहे हैं। वैसे में दिल्ली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से मिलकर देश और राज्य के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर सकारात्मक चर्चा हो चुकी है और इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इसके साथ ही जब मीडिया द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि 10 लाख रोजगार युवाओं को कब दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही युवाओं को रोजगार जो है मिलने वाला है। और मीडिया को ये भी कहा उन्होंने कि ये बहुत अच्छी पहल है कि पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अब रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा कर चुके हैं, जिसको लेकर आज बीजेपी तेजस्वी पर सवाल भी खड़ा कर रहा है कि नौकरी देने का समय आ गया है, नौकरी दीजिए। तो उन्होंने बीजेपी पर ही कटाक्ष हमला करते हुए कहा है कि आपको 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, हम लोग जल्द ही नौकरी का ऐलान करेंगे, आप अपना खुद देखिए। वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो इस सवाल से बचते हुए नजर आए। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम सवालों के लिए आप देखते रहें IVTV। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।